हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हेवल्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में पिछले एक महीने में लगभग 15% से ऊपर की गिरावट आई है। तो क्या ये हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाई जाए? अगर हम इसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म में हमें ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है, या फिर हमारे गोल के अकॉर्डिंग जो भी मनी हमें रिक्वायरमेंट है वो ये कंपनी हमें बना के दे सकती है या नहीं, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें गिरावट क्यों हो रही है, उसके लिए हम सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कि फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, रिटर्न किस तरीके के बना के दिए हैं, और चार्ट पर देखेंगे कि कहां कहां पर सपोर्ट आ रहा है और किस तरीके से हमें स्टॉक में ट्रेड करना है, तो पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप कर लिया तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिल पाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेवल्स इंडिया लिमिटेड करती क्या है? तो हेवल्स इंडिया लिमिटेड जो है 1983 से चालू हुई थी, और इसको बहुत जने जो है FMCG समझ लेते हैं, लेकिन ये FMEG है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। क्या क्या बनाती है वो मैं आपको बताता हूँ। फैंस बनाती है, वाटर हीटर्स बनाती है, पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, होम अप्लायंसेस बनाती है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, केबल्स, वायर्स, मोटर्स, मॉड्यूलर स्विचेस, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टीवी, पावर कैपेसिटर, ल्यूमिनार्स फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है वो देखते हैं हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर से। तो सबसे पहले अगर देखें हम इसका, तो मार्केट कैप देखिए 43,697 करोड़ का है, लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 698 रुपए का चल रहा है, लेकिन आज के सेशन में भी गिरावट आई है, लगभग जो है 650 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी चार्ट पर हम करंट प्राइस भी देख लेंगे इसका। 52 वीक हाई जो बनाया है 806 रुपए का बनाया है, 52 वीक लो बनाया है 549 रुपए का। डिविडेंड यील्ड अच्छा है कंपनी का, 0.64% का है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कर्जा कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। टोटल कर्जा देखें तो 94 या 95 आप मान लीजिए, तो 95 करोड़ के आसपास टोटल कर्जा है, और रिजर्व्स कैश अमाउंट कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास वो देखिए, 4180 करोड़ का कैश अमाउंट पड़ा हुआ है कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 59.52% की प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है कंपनी का। तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर देखें तो अच्छा लग रहा है। अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके रिजल्ट रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें, सेल्स देखें पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, तो मार्च 2019 से जून 2019 का रिजल्ट आ चुका है, 2752 करोड़ से 2712 करोड़, यानी कि सेल्स जो है कम हुआ है कंपनी का। फिर आप अगर जून क्वार्टर से क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 2596 करोड़ से 2712 करोड़, यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेयर में सेल्स कम हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 323 करोड़ से 276 करोड़ का, यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है डाउनफॉल आया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो भी डाउनफॉल आया है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई है, इसीलिए कंपनी के जो है शेयर के प्राइस में डाउनफॉल आ रहा है लगातार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 12% से 10% का, वो भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट देखिए 207 करोड़ से 174 करोड़ का, वो भी कम हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 210 करोड़ से 174 करोड़ का। तो उस कंपनी का सेल्स में गिरावट आई है पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट भी थोड़ा खराब रहा है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी प्रॉफिट खराब रहा है, जिसके कारण कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन हम इसका ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सेल्स देखिए 10,058 करोड़ से 10,173 करोड़ का हुआ है, सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1,196 करोड़ से 1,156 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका घटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका घटा है।
नेट प्रॉफिट देखिएगा 792 करोड़ से 755 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आई है, इसी के कारण कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है। अब हम देखते हैं कि पिछले सालों में इस कंपनी में ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो आप यहां पर नजर डालिए। यहां पर मार्च 2016 में 712 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर आप देखिए मार्च 2017 में 539 करोड़ का, कितना बड़ा डाउनफॉल जो आया है, अभी का तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर देखिए मार्च 2018 में 713 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, फिर 792 करोड़ का और अभी 755 करोड़ का। तो एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। कंपनी में डाउनफॉल आ जाए इस तरीके की कंपनी में अगर, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हो, बिजनेस अच्छा हो और आगे अच्छा रिकवर कर सकती हो, तो उस कंपनी को गिरावट में आपको ज्यादा से ज्यादा बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, ना कि एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि आप लोग जो है ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक दो महीने की गिरावट से आपको बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक में डरना नहीं चाहिए। अर्निंग पर शेयर देखिए बड़ा है, डिविडेंड अच्छा देती है, और लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 20.59% का आरओई मेंटेन किया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 18.46% का है, सेल्स ग्रोथ देखिए 17.36% का है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक आइडियल कंपनी है। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व देखिए 4180 करोड़ का है, टोटल असेट्स अगर देखें तो 7228 करोड़ का है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल देखें तो अच्छा है, बस पिछले क्वार्टर और पिछले साल में जो है सेल्स खराब हुई है और प्रॉफिट भी इसका घटा है। लेकिन ऐसा पिछले सालों में भी हो चुका है और वापस कंपनी ने अच्छा कमबैक किया है, तो ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना के देगी लॉन्ग टर्म में आपको। बस आपको होल्ड करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आपको इस स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इस स्टॉक में आपको तेजी भी नजर आने वाली है। अब मैं आपको इसके रिटर्न्स बता देता हूँ। रिटर्न्स देखिए 10 साल में 2085% का रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में पैसा डबल से ऊपर कर लिया है, 1 साल में जो है थोड़ा इसका प्रॉफिट कम रहा है, जिसके कारण इसका रिटर्न भी कम रहा है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाय करें, लेकिन किस तरीके से बाय करें वो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। करंट प्राइस 651 का चल रहा है अभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, वहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, एफआईज ने भी थोड़ी बहुत ही होल्डिंग घटाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग घटाई है, और 24 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ, 490 एफआईज का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग घटाई है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने वापस जो है अभी लोअर प्राइस पर मिलेगा, तो म्यूचुअल फंड्स वापस एंट्री कर लेंगे स्टॉक में। कंपनी का सीवी देख लेते हैं तो डिविडेंड देखिए आप, ₹4.50 का तो डिविडेंड ही देती है कंपनी, लार्ज कैप की कंपनी और अपने इंडस्ट्री में नंबर वन कंपनी है। अब चलते हैं इसके चार्ट पर, लेवल देखते हैं कि कहां पर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगाया हुआ है और एक कैंडल जो है एक महीने की कैंडल है। अगर इसमें आप एक नजर डालिए, ये रेड कलर की जो लाइन है ये है 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये था ₹705 का, इसको इस महीने में स्टॉक ने तोड़ दिया है और अभी जो ट्रेड इसने एक 643 के आसपास में लो भी बनाया है। तो अब इसको ट्रेड किस तरीके से करें, तो आप देखिए 30 डेज का मूविंग एवरेज है 586। आप देखिएगा 2010 से अभी तक इस 30 दिन के मूविंग एवरेज को स्टॉक ने नहीं तोड़ा है, तो इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 639, यानी कि ₹640 के आसपास में पहला सपोर्ट आ रहा है मंथली चार्ट पर। अगर आप बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं, सपोज ₹1,00,000 लगाना चाहते हैं, तो अभी करंट प्राइस पर आप ₹25,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद चाहें अगर इस स्टॉक में फर्दर गिरावट और आ जाती है तो आप एक ये करंट प्राइस पर, जैसे
आज की क्लोजिंग देखना है आपको कहां पर होती है, 3:25 पर वहां पर स्टॉक को बाय करना है, 25,000 रुपए लगाने हैं अगर 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद सारा अमाउंट अपने पास ही रखना है और इस स्टॉक में फर्दर ज्यादा गिरावट आ जाए तो एक ये 586 यानी कि 590 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है आपको तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 590 रुपए का लेवल है यहाँ पर कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिर इस इन्वेस्टमेंट को 15 से 20 साल के लिए छोड़ दीजिए, आप शानदार रिटर्न कंपनी ये बना के देगी आपको। और अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है अभी तो कम से कम आप 10-10 शेयर की SIP स्टॉक में चालू कर दीजिए, जैसे जैसे गिरावट होगी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिलती रहेगी तो आपका जो है रिटर्न मिलने का चांस ज्यादा रहेगा लॉन्ग टर्म में। इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा 586 तक। अगर कोई बैड सेंटीमेंट आ जाता है और निफ्टी में भी ज्यादा गिरावट होती है तो ये स्टॉक 590 के आसपास में जा सकता है, तो आप लोग पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप देखिए पिछले 2010 से इस पर्पल कलर की लाइन को स्टॉक ने तोड़ा ही नहीं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आने की कोशिश भी की है तो वहां से वापस अच्छा बाउंस बैक किया है, तो आपके पास एक अच्छा बाइंग जोन आ गया है हेवल्स जोन में। SIP मोड में बाय करते रहिए, लगातार क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देगी। और कोई अगर अभी प्रेजेंट वैल्यू पर भी 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देता है और 20 साल के लिए अगर इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ देता है तो 40 से 50 लाख रुपए जो है ये कंपनी आपको बना के दे सकती है। डिविडेंड अलग से मिलेगा और कोई बोनस अगर इश्यू कर दिया स्टॉक ने तो आपके शेयर की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी और अच्छा अमाउंट आपको मिल सकता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।